मामला कांदिवली पूर्व समता नगर इलाके के पोईसर का है, जहां बड़ा भाई राजेश और उसकी पत्नी रहती थी। राजेश सैलून में काम करता है और छोटा भाई दुर्गेश पुणे में प्राइवेट जॉब करता है। मुंबई में कोरोना संक्रमण चैन को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसके बाद छोटा भाई दुर्गेश पुणे से अपनी जान बचाकर कांदिवली अपने बड़े भाई राजेश के पास आ गया। दुर्गेश राजेश को बाहर जाने से मना करता रहा, लेकिन राजेश और उसकी पत्नी बुधवार दोपहर भाजी लेने चले गए। जब वापस आए तो दुर्गेश ने बड़े भाई को धारा 144 का उल्लंघन करने की बात पूछी, तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और राजेश ने घर रखे सब्जी काटने के चाकू से छोटे भाई दुर्गेश ठाकुर की हत्या कर दी। छोटा भाई खून से लथपथ गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वहीं हत्या के मामले में मुंबई कांदिवली समता नगर पुलिस ने आरोपी राजेश लक्ष्मी ठाकुर 28 वर्षीय को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है।